हेलो जी असलकुम तो कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स हमेशा की तरह आज मैं बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ बहुत सारे लो, लोग लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसके लिए कोई ऐसी वीडियो बताइए जिसके लिए हमें चूहों को मारना ना पड़े और चूहे भी घर से भाग जाएँ व्यूअर्स हमेशा चूहे ऐसी जगहों पर आते हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं ये खाने पीने की चीज़ों में मुँह मारते हैं जिससे बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि जिस चीज़ को ये चूहे मुंह लगाते हैं इनके ज़रा से उस चीज़ को लग जाते हैं और हम वैसे ही उस चीज़ को अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं हम चूहों को मारे बगैर भगाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं लेकिन वो काम नहीं आती अगर इन चूहों को ना रोका जाए तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिनको ख़त्म करना फिर मुश्किल हो जाता है तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप घरेलू तरीके से ही इन चूहों को घर से भगा सकती हैं और आपको इनको मारना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें हमने तीखी हरी मिर्चें लेनी हैं आप छः से सात हरी मिर्चें ले लें अगर आपके घर में हरी मिर्चें नहीं हैं तो इसकी जगह आप रेड मिर्च का भी यूज़ कर सकती हैं लेकिन ख्याल करें कि मिर्च तेज़ होनी चाहिए इसके अलावा हम लेंगे बेसन अगर आपके घर में बेसन ना हो तो आप इसमें गंदम का आटा मकई का आटा चावल का आटा कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं और इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसके अंदर गंदम का दलिया भी डाल इसके अंदर उन फ़्लेवर डला होता है तो इसकी खुशबू चूहों को बहुत पसंद होती है जिसको खाने के लिए वो दौड़े चले आएंगे अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं अब हम एक कटोरी लेंगे इसके अंदर हम डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून तक बेसन अब इस बेसन के अंदर हम डालेंगे ये दलिया ये मेरे पास एक्सपायर्ड दलिया पड़ा था आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं आप इसमें गंदम का आटा मिक्स कर लें या वैसे ही बना लें अब इसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे कोई भी सर्फ़ जो कपड़े धोने वाला होता अब मैंने इन मिर्चों को सिरके के अंदर पीस लिया है आपने कोशिश करनी है कि आप सिरके के अंदर पीसें अगर सिरका ना हो तो इसकी जगह लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं हम इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है अभी ये थोड़ा सा सख्त है तो इसको और थोड़ा सा नर्म बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी सिरका आपने भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सिरका डाल के इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है बिगर्स इसमें यूज़ होने वाली सभी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं इसकी स्मेल हमें तो नहीं आती लेकिन चूहों को बहुत अट्रैक्ट करती है जब इसको खाने के लिए आएंगे तो जो हमने इसके अंदर सर्फ़ यूज़ किया है उसमें सोडा होता है तो उसकी वजह से चूहों का पेट ख़राब होगा और वो बाहर भाग जाएंगे अब हम कोई भी पुराना अखबार या कोई भी पेपर ले लेंगे आपने देखा होगा कि चूहे पेपर्स वगैरह को बहुत शौक़ से कुतरते हैं इस वजह से हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे अब हम इस पेस्ट को पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से पूरे पेपर के ऊपर इस पेस्ट को लगा देना है आपने ख्याल करना है कि बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है क्योंकि इसमें हमने सर्फ वगैरह डाला है तो वो ख़तरनाक हो सकता है इसके अलावा मिर्च से बच्चों का हाथ और मुंह जल सकता है आपने इस रेमेडी को रात के टाइम यूज़ करना है अच्छे तरीके से सारे पेपर के ऊपर इसको लगाने के बाद अब हम इस पेपर को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते हैं अमूमन चूहे किचन के अंदर आते हैं और गैस स्टोव के नीचे जाते हैं क्योंकि वहाँ अक्सर खाने पीने की चीज़ें गिरी होती हैं हमने इसको गैस स्टोव के नीचे रख देना है आपने ये ख़्याल करना है कि किचन में रात के टाइम कोई भी खाने पीने की और चीज़ें या पानी वगैरह ना पड़ा हो ताकि चूहे पानी भी ना पी सकें इस तरीके से हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और इनके ऊपर जो बचा हुआ हमारे पास पेस्ट है इसको लगा देंगे इन बॉल्स का फ़ायदा ये है कि इनको हम सोफ़े के नीचे फ्रिज के नीचे या अपनी कपड़ों वाली अलमारी में जहाँ चूहे घुसते हैं वहाँ रख देंगे इससे जब हम सफाई करेंगे तो हमें साफ़ करने भी मुश्किल नहीं होगा हम इनको आराम से उठाकर फेंक सकते हैं ये पाँच से सात दिन तक बॉल्स आराम से पड़ी रहेंगी और पाँच से सात दिन ये इफेक्टिव होंगी आप देखेंगे कि तमाम चूहे आहिस्ता आहिस्ता इसको खाने के बाद भाग जाएंगे व्यवर्स कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़